हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अन्नपूर्णा के किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि सांभर मसाला कैसे बनाया जाता है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए। और अब चलिए इसका सामान देख लेते हैं जो हमें जो इस सांभर मसाले में यूज़ करा जाता है। ये मैंने धनिया लिया है आधी कटोरी, ये जीरा है एक चम्मच, ये हींग है आधा चम्मच, ये एक चम्मच मेथी दाना, ये एक चम्मच काली मिर्च, ये सरसों दाना एक चम्मच, ये कसूरी मेथी एक चम्मच, और ये मैंने 8 से 10 जो है ये लाल कश्मीरी मिर्च ली है, ये 25 से 30 करी पत्ते लिए हुए, ये चना दाल 2 चम्मच, तुअर दाल 2 चम्मच, और 2 चम्मच जो है मैंने ये उड़द की धुली हुई दाल ली है। अब चलिए इनको रोस्ट करना शुरू करते हैं। गैस जलाकर जो है कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें ये जो साबुत मेरा धनिया है, पहले मैं इसको इसमें इसकी केवल नमी निकालने तक ही इसको इसमें भूनूंगी। केवल इसकी जब नमी निकल जाएगी, और इन सब मसालों को हमें अलग अलग ही भूनना है, एक साथ नहीं भूनना है। जब ये इसकी नमी निकल जाएगी तब मैं इसको निकाल के दूसरा मसाला डालूंगी। ये हमारा रोस्ट हो चुका है धनिया, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये मैं मिर्चें डालूंगी, अब इनको भूनूंगी, थोड़ा सा इसको भी ऐसे ही इसी तरीके से रोस्ट करूंगी। अब मैं इसको भी निकाल लूंगी। काली मिर्चें केवल हमें उतना ही भूनना है जितनी इसकी नमी निकालनी है केवल। अगर हम इन मसालों की नमी नहीं निकालेंगे तो हमारा जो मसाला होगा वो खराब हो जाएगा, उसमें फफूंदी आ जाएगी, इसलिए हमें इसको केवल नमी निकालने तक ही भूनना है। जीरा डालूंगी, ये इसको भी इसी तरीके से थोड़ा सा गुलाबी होने तक इसको इसमें भूनूंगी। इसकी जो हमें गैस रखनी है वो लो मीडियम पे ही रखनी है, इसकी फ्लेम को हमें लो मीडियम पर ही रखना है। अब मैं इसको जीरा का भी चटका लिया है, अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। अब ये सरसों दाना, ये जब तक इसमें ये चटकने लगेगा तब तक मैं इसको इसी तरीके से इसमें भूनूंगी। मेरा जो है सरसों दाना भी भून चुका है, मैं इसको भी निकाल लूंगी। मेथी दाना केवल मुझे केवल हल्का सा ही रोस्ट करना है, अगर मैं ज्यादा रोस्ट कर दूंगी तो ये ज्यादा कड़वा हो जाएगा, इसलिए हल्का सा ही इसको रोस्ट करूंगी। मैं इसको भी बाहर निकाल लूंगी। कसूरी मेथी, ये इसको भी बहुत हल्का सा ही, इसकी मेरे को केवल नमी ही निकालनी है। ये करी लीव्स जो मैं डाली हूँ, इसकी भी केवल मुझे इसका जो मॉइस्चर, जो इसकी नमी है केवल वही निकालनी है हमें। निकाल लेती हूँ। दाल डालूंगी, ये तुअर दाल, इसको हमें दाल को तब तक इसको रोस्ट करना है जब तक ये हमें गोल्डन कलर में दिखाई ना देने लगे। अभी हमारी रोस्ट हो चुकी है, अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। ये उड़द की दाल डालूंगी, इसको भी मुझे गोल्डन होने तक ही भूनना है। दाल भी हमारी भून चुकी है, गोल्डन होने लगी है, अब मैं इसको भी बाहर निकाल लूंगी। दाल डालूंगी, इसको भी इसी तरीके से रोस्ट करूंगी। ये चना दाल भी जो है रोस्ट हो चुकी है, अब मैं इसको भी बाहर निकाल लेती हूँ। ये हल्दी को मैं इसको ऐसे ही इसमें डाल दूंगी, और ये हींग जो मैंने आधा चम्मच ली थी, इसको भी मैं इसी तरीके से बिगर भूने ही इसमें डालूंगी। ये अब मैं चलिए इसको पीस लेती हूँ। देखिए ये हमारा ये सांभर मसाला बनकर तैयार हो चुका है, मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है, ये मसाला बाजार से कहीं ज़्यादा सस्ता भी है और अच्छा भी है। आप इसको 1.5 से 2 महीने जो है एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा 1 से 1.5। अगर इसमें नमी नहीं है, अच्छी तरीके से आसानी से चल सकता है। तो देखिए मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। लीजिए सांभर मसाला तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।